हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेल्टन ग्राफिक जोन। मैं सुहेब अहमद लेकर आ गया हूँ एक और नई वीडियो, जिसमें मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ इस कार्टन के बारे में। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि ये कार्टन का स्ट्रक्चर हमने बनाया था, आज हम इसको 3D में कन्वर्ट करने वाले हैं। इसको शेडो वगैरह हम देंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से हम इसको आज शेडो देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको बैकग्राउंड को थोड़ा कलर हम दे देते हैं 10% ब्लैक कर आउटलाइन इसकी ख़त्म कर देते हैं। और अब इसको हम यहाँ पर लॉक कर देते हैं, लॉक ऑब्जेक्ट, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो यहाँ पर वर्क करने में। ये यहाँ पर रखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इस पर हमको शेडो इसमें देनी है, तो सबसे पहले इसकी आउटलाइन हम यहाँ पर ख़त्म कर लेते हैं। नहीं अभी नहीं, थोड़ा हमें दिक्कत देगी, आउटलाइन हमको रखनी होगी। आउटलाइन हम कम कर लेते हैं यहाँ पर 0.1 कर, ओके करेंगे अभी, ठीक है। एक हम इसी की कॉपी यहाँ पर कीबोर्ड से प्लस करेंगे, एक यहाँ पर कॉपी आ जाएगी इसकी। क्या करते हैं, इसकी आउटलाइन हम ख़त्म करेंगे और इसको कंट्रोल पेज डाउन से नीचे ले जाएंगे, और थोड़ा शिफ्ट के साथ हम इसको एरो के साथ, शिफ्ट और एरो के साथ नीचे लाएंगे। थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, कंट्रोल से लाएंगे थोड़ा, और एक राइट में और एक बॉटम में इस तरह से यहाँ पर इसको इस तरह से छोड़ देंगे। इसका हम कलर फुल ब्लैक 100% कर देंगे, और इसको ये ब्लैक वाला जो है इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक अपार्ट कर देंगे। इसका एक एक पार्ट जो अलग हो जाए, ठीक इतना हम यहाँ पर रखेंगे। और इसकी हम आउटलाइन अभी नहीं करते, अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा शेडो वगैरह ऊपर जो जो हमको लाइटिंग वगैरह इफेक्ट देने हैं तो हम इसको दे देते हैं। तो किस तरह से हम देंगे, इस तरह से हम एक सर्किल लेंगे, और नहीं सर्किल नहीं, ये ज़्यादा बेस्ट नहीं रहेगा, हम रेक्टेंगल यहाँ पर ले लेते हैं। एक इतना हम रेक्टेंगल बनाएंगे, और यहाँ पर पहले इसको इसको भी हम ब्रेक अपार्ट कर लेते हैं इस तरह से। अब इसको हम थोड़ा और इसको नैरो करेंगे, इतना इसको हम वाइट कलर देंगे, आउटलाइन ख़त्म करेंगे, यहाँ पर इसको सेंटर में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, F10 प्रेस करेंगे और इसके कॉर्नर को इस तरह से राउंड कर लेंगे, इसको हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, जो ये आउटलाइन है यहाँ पर रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इसको मिला दें, इतना काफ़ी है। और एक एक और हम इसको लेंगे इधर इस तरह से, राइट क्लिक कर इसको हम करेंगे ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट कर हम कन्वर्ट टू बिटमैप करेंगे। यहाँ पर 500 डालते हैं, RGB कर ओके करेंगे ठीक। अब कन्वर्ट हो गया, अब करेंगे हम इनको इफेक्ट देंगे ब्लर, गोशन ब्लर, यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, इसको हम कम करेंगे। इतना यहाँ पर, और इन सब की हम आउटलाइन अभी हटा देते हैं,
ये देखिए इस तरह से हम सभी में लगाएंगे, यहाँ पर सेंटर करेंगे और यहाँ पर सेंटर करेंगे, ठीक। और इन तीनों को हम सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, यहाँ पर भी लगा देंगे, ठीक हुआ। अब इसको लाएंगे इस तरह से, अब इसको रोटेट करेंगे हम। रोटेट करने के बाद यहाँ रखेंगे इस तरह से, यहाँ पर इसको खींच कर लगा देंगे और एक यहाँ पर लगाएंगे, इसका हम यहाँ पर मिरर चेंज कर देंगे और एक यहाँ पर लगाएंगे, इसका यहाँ पर अलग मिरर कर देंगे और इसी तरह से एक यहाँ पर लगा देंगे, ठीक हुआ। अभी एक यहाँ पर हमारा बाकी है, तो इसको हम कॉपी लेंगे और यहाँ पर सेंटर कर देंगे, ठीक हुआ। यहाँ भी एक बाकी है इस तरह से, यहाँ पर, ठीक हुआ। अब इन सब की भी आउटलाइन हम हटा देंगे। अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों, इन दोनों को हम यहाँ पर वेल्ड कर देंगे इस तरह से। और वेल्ड करने के बाद जो ये नीचे वाले, इसको वेल्ड नहीं करना, सॉरी, हम क्या करेंगे, ये जो ब्लैक वाला नीचे है, इसको और इसको, इन दोनों को यहाँ पर वेल्ड करेंगे। और अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको और इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ट्रिम कर देंगे। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से इतना है फिनिश हो चुका है। और F10 लेकर ये दो लाइन यहाँ पर, इनको भी यहाँ से हटा देंगे। अब हमको क्या दिख रहा है, ये यहाँ पर इस तरह से दिख रही है, हम चाह रहे हैं कि ये यहाँ तक रहे। शिफ्ट पेज अप कर ऊपर लाता हूँ, मैं दिखाता हूँ किस तरह से दिख रही है। ये इस तरह से दिख रही है, कंट्रोल जेड करते हैं, नीचे ले जाएंगे, F10 प्रेस करेंगे, हम जा रहे हैं कि ये यहाँ तक रहे। तो इस लाइन पर इस तरह से, ये जो हमको लाइन दिख रही है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर टू लाइन कर देंगे, ये देखिए यहाँ तक आ गई है। इसी तरह से अभी क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और ये सेलेक्ट करेंगे, दोनों साथ में ये सेलेक्ट हो गए हैं। अभी इनको भी यहाँ से ट्रिम कर देंगे। अब ये इतना पोर्शन यहाँ पर बचा है, हमको इतना ही चाहिए था। इसको भी हम इसी तरह से करेंगे, इसको और इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के बाद इसमें भी देख रहे हैं हम, यहाँ तक ये आ रहा है, तो इसको भी डिलीट करेंगे। और यहाँ से जब ये डॉट यहाँ पर लग जाए, तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं और राइट क्लिक कर भी यहाँ से टू लाइन कर सकते हैं। ये हो गया। अब नंबर आता है इसका, इसको भी इसी तरह से करेंगे। तो चलिए मैं इसको जल्दी जल्दी थोड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसको हम इतना ही रहने देते हैं, इनमें कुछ नहीं छेड़ते हैं। वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए वहाँ से हटाया है, यहाँ कोई इशू होने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको सेलेक्ट करेंगे, बिड मैप, कन्वर्ट टू बिड मैप, ओके। अब यहाँ पर ब्लर, गॉशियन ब्लर और शेडो हमको दिखानी है यहाँ पर इस तरह से, चाहे तो इसको थोड़ा सा अंदर ले लें, काफ़ी है। इसी तरह से इसको भी हम करेंगे, कन्वर्ट बिट में, ओके, ब्लर, गॉशियन ब्लर, ओके, इसको भी थोड़ा अंदर लेंगे, ठीक। इसके साथ भी यही करेंगे, ब्लर, गॉशियन ब्लर, ओके, इसको थोड़ा
फोन, अभी ये और ये हम इनको वेल्ड कर लेंगे। और इनको वेल्ड करने के बाद ये हम देख रहे हैं, ये हमारा सॉरी ये नीचे, इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे। और हम क्या करते हैं, इस तरह से इसको इन दोनों को यहाँ पर, इसको यहाँ पर ये दोनों मारे हुए। अभी इसको भी बिट मैप कन्वर्ट टू बिट मैप ब्लर गॉशियन ब्लर, ओके। ये अपना यहाँ पर ठीक, अभी ये बच रहा है, इसको भी इसी तरह से हम सबको कर देंगे। अभी थोड़ी एक चीज और इसमें कमी आ रही है, उसको हम बाद में करेंगे, मैं बताता हूँ कहाँ पर क्या हो रहा है। पहले इसको हम फिनिश कर लेते हैं सबको, कंट्रोल जेड करेंगे। सबसे पहले हम इसको यहाँ से कम करेंगे ताकि हमको दिक्कत ना दे। ठीक हुआ। ये हो गया हमारा, इसका हम हल्का सा बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ से हमको नहीं निकालना है इसको, यहाँ पर ठीक हो गया। अभी क्या इसमें रह रहा है मैं आपको बताता हूँ, जो ये चार पार्ट हमारे हैं इनके पीछे वो ब्लैक वाला है, तो उसको हम हटाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमने ऊपर लगाया हुआ है इन सबको हम सेलेक्ट करेंगे, देख लें हम सेलेक्ट हो गए कि नहीं। हाँ हो गए, ये हम इनको कर लेंगे ग्रुप। ग्रुप करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इन चारों को सेलेक्ट हमने किया और ये हम डिलीट कर देंगे। और यहाँ जो था वो हमने पहले डिलीट कर दिया था। अभी ये फाइनल हो चुका है, अब क्या इसमें बच रहा है, अब थोड़ा हम इसको इफेक्ट देंगे इस तरह से। यहाँ पर हम इसको थोड़ा इसकी पेपर की मोटाई दिखाएंगे, तो हम F5 प्रेस करेंगे, फिर एंड टूल लेंगे और इस तरह से यहाँ पर ये लगाएंगे और इसको वाइट हम कर देंगे। इसी में हम यहाँ तक इसको लाएंगे, तो हम क्या करेंगे F5 और यहीं पर इसको सेलेक्ट करके F10 करेंगे, इसको करेंगे कर्व। और कर्व करने के बाद हम देखते हैं कहाँ तक इसको, ठीक, इसको करेंगे हम कंट्रोल शिफ्ट क्यू। ये अब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गई आउटलाइन, तो हम इसको इस तरह से रखेंगे ताकि हमारी शेप सही आ जाए। और इसी तरह से हम यहाँ पर भी इसी तरह से, बस हम यहाँ पर आउटलाइन लगा देंगे सब में, आप समझ ही गए होंगे ये आउटलाइन क्यों लगाई है। ये लगभग हमारा फाइनल हो चुका है, एक यहाँ पर भी हम लगा देते हैं। थोड़ा यहाँ पर हमको
इसको बाहर करना होगा। इन हम इसको कम करते हैं, 0.5 इसको करेंगे। तो गाइज ये हमारा रेडी हो चुका है प्रॉपर तरीके से। हम क्या करेंगे अब इसको, सॉरी पता नहीं क्या क्या हो गया, इन सबको सेलेक्ट करेंगे। ये हमने पूरा सेलेक्ट किया, इसको हम करेंगे कंबाइन। कंबाइन किया, अब इसका जो फाउंटेन लगा हुआ है उसको हम सही से लगा लेंगे। कहाँ जा रहे भाई, इस तरह से हम इसको लगा लेते हैं। ये प्रॉपर तरीके से आपका रेडी हो चुका है। अब हम इसको अनलॉक करकर यहाँ पर थोड़ा फाउंटेन दे देते हैं, कुछ इस तरह से देंगे। इस तरह से तो गाइज ये रेडी हो चुका है कार्टन। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका मॉकअप बनाकर दिखाऊंगा फोटोशॉप में किस तरह से इसका मॉकअप बनेगा। तो चलिए गाइज आज की क्लास को, आज की वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, जब फोटोशॉप की क्लास होगी इसी कार्टन के ऊपर हम डिज़ाइन प्लेस करेंगे, किस तरह से हमें इस पर डिज़ाइन प्लेस करना है फोटोशॉप में जाकर। तो तब तक और बाकी वीडियो आप मेरी देखिए, जो आपने नहीं देखी है बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा मॉकअप डिज़ाइनिंग में। आप बहुत कुछ सीखेंगे मेरी वीडियो देखकर। मैंने एक लोगो की मॉकअप की क्लास भी बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं प्रॉपर किस तरह से एक लोगो को क्रिएट करते हैं, मॉकअप डिज़ाइन किस तरह से बनता है लोगों का, वो भी मैंने क्लास बनाई हुई है। और आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो अगर ये पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, अल्लाह हाफिज़। Never really know when you're gonna go.